बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 है। विच ऑफ द मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इन मैट्रिसेस में चेक करना है कि कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। इसमें आपने ये बात चेक करनी है, वो वाले मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम है। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज़ है 1, 2, 2 रोज़ हैं और कॉलम्स देखते हैं 1, 2, और कॉलम्स भी 2 हैं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2 बाई 2। ये ऐड हो सकता है मैट्रिक्स ई के साथ क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। ए एंड ई ये ऐड हो सकते हैं। उसके बाद बी का हम ऑर्डर देखते हैं। बी का ऑर्डर है, इसमें रोज़ हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रोज़ हैं इसमें और 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। इधर से हम डी को देखते हैं। डी को सिंप्लीफाई करें तो डी जो मैट्रिक्स डी है इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, तो ये इस तरह बन जाता है। 2 में 1 प्लस हो के 3 आ जाता है और नीचे भी 3 है। इसका देखें, इसमें भी रोज़ फर्स्ट रो सेकंड रो, इसमें भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है, यानी बी और डी का ऑर्डर सेम है, इसलिए ये भी कंफर्टेबल फॉर एडिशन है। बी एंड डी ये 2 हो गए, 2 पेयर्स हो गए। उसके बाद सी का देखते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रोज़ हैं इसमें, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और 2 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर बनता है 3 बाय 2। एफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ इज इक्वल टू ये 3 और 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 माइनस 4 एज इट इज, 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 1 3। इसका भी ऑर्डर देखते हैं अब। 1 2 3, 3 रोज़ हैं, 1 2, 2 कॉलम्स हैं। इसका भी ऑर्डर 3 बाई 2 है। सी और एफ का ऑर्डर सेम है इसलिए ये भी ऐड हो सकते हैं, सी एंड एफ। ये 3 पेयर्स हैं जो आपस में ऐड हो सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर उसी मैट्रिक्स में ऐड किया जाए तो आंसर नल मैट्रिक्स आए, यानी कि वो आंसर आए जो तमाम एंट्रीज 0 हों। तो मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि सारे जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं सब के साइन चेंज कर देने हैं आपने। जैसे ये ए है मैट्रिक्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, साइन चेंज कर देना है सारी एंट्रीज की। 2 पॉजिटिव है इसको -2 कर दें, 4 पॉजिटिव है -4, -2 है इसको +2 कर दें, प्लस का 1 है इसको -1 कर दें। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स इस तरह होगा। एडिटिव इनवर्स बी इज इक्वल टू, इसमें भी आपने
सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देने हैं। पॉजिटिव 1 है, नेगेटिव 1, 0 का साइन नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। -1 +1 हो जाएगा, प्लस का 2 है, -2 हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है, -3 हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है, -3 हो जाएगा, -2 है, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 पॉजिटिव है, -1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम सी का नेगेटिव, सी का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। एडिटिव इनवर्स सी इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव है, इसको आप -4 लिख दें, -2 है, इसको +2 लिख दें। ये मैंने 3 पार्ट्स सॉल्व किए हैं, बाकी इसके पार्ट्स सेम इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 है। ये मैट्रिक्स लिखे हुए हैं ए बी सी एंड डी, इनमें से फाइंड करना है, ये जो दिए गए कंडीशंस हैं ये फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट है इसका ए प्लस, आगे ये मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करते हैं। ए जिधर लिखा हुआ है उस जगह पे हम ए का जो मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है ये लिखते हैं, -1 2 2 और 1, आगे ये प्लस का साइन, और आगे ये जो मैट्रिक्स है इसको लिखते हैं एज इट इज 1 1 1 1। उसके बाद -1 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इसमें प्लस हो जाएगी, और 2 की जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इसमें प्लस हो जाएगी। जिस जगह पे जो वैल्यू है उसी जगह पे जो अगले मैट्रिक्स में वैल्यू होगी वो आपस में प्लस होगी। करते हैं इसको सॉल्व। -1 +1, क्योंकि -1 वाली जगह पे इस मैट्रिक्स में 1 है। आगे 2 प्लस ये वाला 1, इसी तरह ये 2 लिखें पहले, प्लस इधर 1 है, फिर ये 1 लिखें, 1 प्लस लिखें, इधर ये 1 है। -1 +1 का आंसर क्या आएगा? 0। 2 +1 का क्या आंसर आएगा? 3। और 2 +1 3, 1 +1 2। ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। इसी तरीके से सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जिधर ये बी लिखा हुआ है उस जगह पे आप ये बी वाला मैट्रिक्स लिखें। बी वाला मैट्रिक्स है 1 और -1, 1 और -1। आगे ये प्लस आएगा, आगे ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख लें, -2 3। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 1 प्लस, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, 1 प्लस ये -2 है इसलिए 1 -2। नीचे ये -1 लिखें पहले, +3। -1 -2 का क्या आंसर आएगा? पहले
प्लस माइनस है, माइनस होगा, टू में से वन माइनस करें वन आता है, और साइन ग्रेटर वैल्यू को आएगा, क्योंकि टू ग्रेटर वैल्यू है इसलिए इसके साथ माइनस। वन माइनस टू का क्या आंसर है? माइनस वन। और माइनस वन प्लस थ्री, ये भी माइनस प्लस है, माइनस होगा, थ्री में से वन माइनस करें टू आ जाएगा, और साइन ग्रेटर वैल्यू का, थ्री ग्रेटर है थ्री के साथ प्लस है, ये टू भी प्लस का आ जाएगा। ये आंसर आ गया है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जिस जगह पे ये सी लिखा हुआ है, सी वाली जगह पे आप ये मैट्रिक्स लिखें जो सी का मैट्रिक्स है। सी का मैट्रिक्स है वन माइनस वन और टू। आगे ये प्लस लिखें। प्लस लिखने के बाद आगे ये जो ये मैट्रिक्स है इसको एज इट इज नीचे उतार लें, माइनस टू वन और थ्री। इसको भी सॉल्व करते हैं। ये वन लिखेंगे पहले, वन प्लस माइनस टू, ये भी प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का मिलके माइनस बन जाएगा, वन माइनस टू हो गया। आगे ये माइनस वन लिखिए, माइनस वन प्लस वन। आगे ये टू प्लस थ्री। वन माइनस टू का क्या आंसर है? वन पॉजिटिव है, टू नेगेटिव है। प्लस माइनस माइनस होगा, टू में से वन माइनस करें वन आता है, लेकिन साइन साथ माइनस लगेगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू टू है, टू के साथ माइनस है। माइनस वन प्लस टू, माइनस प्लस है, माइनस होगा, वन में से वन माइनस करें जीरो, और टू प्लस थ्री फाइव आ जाएगा। ये आ गया आंसर थर्ड पार्ट का। आगे चलते हैं पार्ट फोर की तरफ। इसी क्वेश्चन का पार्ट फोर है, डी प्लस ये मैट्रिक्स। लेफ्ट साइड पे ये जो डी लिखा हुआ है, इस डी की जगह ये मैट्रिक्स लिखिए, वन टू थ्री, और इसकी सेकंड रो है माइनस वन जीरो और टू। डी वाली जगह पे डी का मैट्रिक्स लिखा, आगे ये प्लस, और ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आ जाएगा, जीरो वन जीरो और टू जीरो वन। इसके बाद ये वन प्लस जीरो ये ऐड होगा आपस में, वन प्लस जीरो, उसके बाद टू प्लस वन, टू प्लस वन, उसके बाद थ्री प्लस, और ये जीरो, उसके बाद माइनस वन प्लस ये टू, उसके बाद जीरो प्लस ये जीरो, उसके बाद ये टू प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वन प्लस जीरो क्या आंसर आता है? वन। टू प्लस वन क्या आंसर आएगा? थ्री। थ्री प्लस जीरो क्या आता है? थ्री। माइनस वन प्लस टू, वन आएगा, माइनस प्लस है इसलिए माइनस होगा, टू से वन माइनस करेंगे वन आता है, तो पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है इसलिए ये पॉजिटिव वन आ जाएगा। जीरो प्लस जीरो जीरो, और टू प्लस वन थ्री आ जाएगा। ये आंसर आ गया हमारा पार्ट फोर का।
आगे चलते हैं पार्ट फाइव। पार्ट फाइव में लिखा हुआ है टू ए, इसका मतलब है ये टू जो है ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको ऐसे लिखें, टू एज इट इज लिखें, आगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और ए का मैट्रिक्स लिख लें इधर से। ए का मैट्रिक्स है -1 और 2, -1 2, और नीचे वाली रो है 2 1। ए का मैट्रिक्स लिखा और ये जो 2 है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है -2, क्योंकि ये पॉजिटिव 2 है और ये -1 है। पॉजिटिव और नेगेटिव की जब मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है। इस 2 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 2s are 4, और फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। ये आंसर आ गया है पार्ट 5 का। आगे देखते हैं पार्ट 6। इसमें लिखा हुआ है -1 × b। इसका मतलब है कि ये जो b मैट्रिक्स है इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका तरीका क्या है, -1 लिखिए मल्टीप्लाई, आगे b का मैट्रिक्स लिखिए। b का मैट्रिक्स है 1 और -1, 1 -1, -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और फिर -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस की जब भी मल्टीप्लाई होती है आंसर पॉजिटिव आ जाता है, प्लस वाला आ जाता है। तो ये आंसर आ गया पार्ट 6 का। इसके अगले पार्ट्स पार्ट 7, 8 और 9, इसका तरीका सेम है, इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। इसको सॉल्व करते हैं। मैथ का कानून है कि जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर हो उसको पहले सॉल्व करते हैं, और ये जो प्लस का ऑपरेशन है ये ब्रैकेट्स के अंदर है इन दो मैट्रिक्स का, इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1 + 0, 1 + 0, आगे 0 + 2, 0 + 2, उसके बाद 0 + 3, 1 + 0। उसके बाद ये प्लस और ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 1 1, 0। इसका आंसर आएगा 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आ जाएगा, 0 + 2, 2 आ जाएगा, 0 + 3, 3 आएगा, और 1 + 0, 1। ये मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद ये प्लस और ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे आ जाएगा, 1 1 1 0। इनको, ये दो मैट्रिक्स हैं इनको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका भी वही तरीका है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, ये 1 + ये 1, 1 + 1, फिर ये 2,
प्लस ये वन, उसके बाद थ्री प्लस थ्री प्लस ये वन, उसके बाद वन प्लस जीरो, ये आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्या आंसर आएगा 2। ये 2 प्लस 1 क्या आंसर आएगा 3। 3 प्लस 1 4, और 1 प्लस 0 1। ये आ गया पार्ट 1 का आंसर। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 देखते हैं। इसमें भी जो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करेंगे। ये पहला जो मैट्रिक्स है इसको एज इट इज लिख लें 1 0 0 1। आगे प्लस लिखिए ये वाला, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन, फिर टू माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन, जीरो माइनस जीरो। ये पहला जो मैट्रिक्स है इसको दोबारा एज इट इज लिख लें 1 0 0 1 प्लस ये वाला। इसको सॉल्व करते हैं क्या आंसर आता है, 0 माइनस 1 माइनस वन आएगा, और 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 0 माइनस 0 जीरो आ जाएगा। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस हो जाएगा इस -1 में। ये 1 लिखिए पहले 1, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा। 1 प्लस -1 है, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1। उसके बाद 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, उसके बाद ये 1 प्लस 0, 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1, क्या आंसर आता है 0। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1। ये आ गया हमारा पार्ट 2 का आंसर। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स उसका भी सेम यही तरीका है, खुद सॉल्व कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5 है। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स इफ, ये 3 मैट्रिक्स हैं ए बी और सी। इन मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमने ये कुछ रूल्स हैं ये वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। जिस जगह पे ए लिखा हुआ है उस जगह हम ए वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 2 और 3, और दूसरी उसकी रो है 3 2 1, 3 2 1, और थर्ड रो है 1 माइनस 1 और 0। आगे ये प्लस लिखेंगे, और सी वाली जगह पे सी का मैट्रिक्स, सी के मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है -1
जीरो जीरो। सेकेंड रो है जीरो माइनस टू और थ्री, और थर्ड रो है वन वन और टू। उसके बाद इक्वल आएगा। अब जिस जगह पे सी है उस जगह पे ये सी का मैट्रिक्स लिखिए पहले, माइनस वन जीरो और जीरो। सेकंड रो है जीरो माइनस टू और थ्री, और थर्ड रो है वन वन और टू। आगे ये प्लस लगाएं, आगे ये ए है, ए वाली जगह पे ए का मैट्रिक्स, ए का मैट्रिक्स है वन टू थ्री, वन टू थ्री और थ्री टू वन, थ्री टू वन और वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन और जीरो। इसके बाद इसको ऐड करते हैं, वही तरीका है इसका, वन प्लस माइनस वन, ये वन लिखेंगे और ये प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, वन टू प्लस जीरो, टू प्लस जीरो और थ्री प्लस जीरो, थ्री प्लस जीरो। इसी तरीके से सेकंड रो पे थ्री प्लस जीरो, थ्री प्लस जीरो। अगे टू प्लस माइनस टू, ये टू लिखेंगे पहले, प्लस और माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो ये लिखा जाएगा टू माइनस टू। आगे वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री। थर्ड रो पे आ जाएं, वन प्लस वन, वन प्लस वन। आगे माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू। इसको मैट्रिक्स की शक्ल दे दें, इक्वल। इधर से भी ये माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन, जीरो प्लस टू, जीरो प्लस टू। अगर ये जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस थ्री। सेकेंड रो पे आ जाएं, जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस थ्री, फिर माइनस टू प्लस टू, माइनस टू प्लस टू, फिर थ्री प्लस वन, थ्री प्लस वन। उसके बाद थर्ड रो पे आ जाएं, वन प्लस वन, वन प्लस वन, फिर वन प्लस माइनस वन। ये वन लिखें पहले, ये प्लस और ये माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो ये लिखा जाएगा वन माइनस वन। अब ये टू प्लस जीरो, टू प्लस जीरो। ये आ गया इसका, इसको आगे सॉल्व करते हैं। वन माइनस वन क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। इधर से टू प्लस जीरो क्या आंसर आएगा, टू। थ्री प्लस जीरो क्या आंसर आएगा, थ्री। इधर से थ्री प्लस जीरो, थ्री। टू माइनस टू जीरो, वन प्लस थ्री फोर, वन प्लस वन टू, माइनस वन और प्लस वन जीरो आएगा, जीरो प्लस टू टू। इस इक्वल राइट साइड पे देखें, माइनस वन प्लस वन जीरो आएगा, जीरो प्लस टू
टू आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, फिर 0 प्लस 3 3 आएगा, -2 प्लस 2 0 आंसर आएगा, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, और 1 माइनस 1 0, और 2 प्लस 0 2। इसमें अब देखें इक्वल की लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तो यही वेरीफाई करना होता है। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक ही आंसर आता है तो वो रूल वेरीफाई हो जाता है। इसका आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके अगले पार्ट्स भी इसी तरीके से आप खुद कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 है। इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है उसका 3a-2b। सॉल्व करते हैं इसको। 3 लिखिए पहले एज इट इज, जिस जगह पे ए है उस जगह पे ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। इधर मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं आप। 3 मल्टीप्लाई ए का मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3 और 4। उसके बाद ये माइनस लगाइए, आगे 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और जिस जगह पे बी है इधर बी का मैट्रिक्स, बी का मैट्रिक्स है 0 7 0 7 और -3 8। अब इस 3 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 आ जाएगा। आगे ये माइनस लगाएं। अब ये जो 2 है इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। इसके बाद इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करना है। ये 3 -0, इस तरह इसको स्टार्ट करेंगे 3 -0 और -6 -14, -6 -14 और 9 --6। ये 9 लिखिए, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 6। अब ये 12, 12 -16। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इक्वल हर स्टेप के साथ लिखिए। 3 -0 क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा, और -6 और -14 दोनों वैल्यूज माइनस हों तो वो ऐड हो जाती हैं। -6 और -14 ऐड होके -20 हो जाएगा। 9 प्लस 6 15, और 12 -16, 12 प्लस का है 16 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 16 से 12 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और साइन माइनस साथ आएगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू 16 माइनस है। यह आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का।
इसी क्वेश्चन का पार्ट टू है। इसमें है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। जिस जगह पे ये टू लिखा है इसको टू लिखिए एज इट इज मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेके लिखना है आपने, क्योंकि ए का ट्रांसपोज है। ए का ट्रांसपोज ये रो लिखी हुई है 1 माइनस 2, रो है इसको कॉलम में लिखिए 1 माइनस 2। इसी तरह ये सेकंड रो है 3 4, इसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दें 3 4। ये ए का ट्रांसपोज हो गया। आगे ये माइनस लगाएं, उसके बाद ये 3, फिर मल्टीप्लाई। आगे बी का ट्रांसपोज है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेके आगे लिखना है। 0 7 रो की शक्ल में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दें 0 7। उसके बाद -3 और 8 रो है, इसको कॉलम में लिखिए -3 8। तो ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ये 2 इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। उसके बाद ये माइनस लगाएं, 3 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें। 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, और 3 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आएगा। उसके बाद 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, 3 7 जार 21। और 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं अब इस तरह, ये 2 माइनस 0 2 माइनस 0, आगे 6 6 ये वाला -9। ये डबल माइनस हो रहा है इधर, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आगे ये 9 लिखिए। आगे -4 माइनस 21 माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24 8 माइनस 24। इसको सॉल्व करते हैं आगे, हर स्टेप के साथ इक्वल लिखिए। 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, 2 माइनस 0 का क्या आंसर है 2, 6 प्लस 9 का क्या आंसर है 15, -4 और -21 दोनों माइनस वाली वैल्यूज हैं, ऐड हो जाएंगी 25 हो जाएगा और साथ माइनस ही लगेगा, और 8 माइनस 24 प्लस माइनस है, माइनस होगा 24 से 8 माइनस करें 16 आएगा, और साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 24 है उसके साथ माइनस है इसलिए इधर माइनस लगेगा। ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ये था क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 1.3 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7 है। ये मैट्रिक्स हैं, इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका तरीका ये है, इस 2 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। इस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, इस 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, इस 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, और इस 2 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a आ जाएगा। एक ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये प्लस लगाएं,
और इस 3 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 वन जार 3 आ जाएगा, और 3 को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, एक ये मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद ये इक्वल और ये मैट्रिक्स एज इट इज नीचे ले आए, 7, 10 और 18, 1। इसमें से ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये 2a लिखें, 2a। अगर ये प्लस है और इसी जगह पे इस मैट्रिक्स में -12 है, और ये प्लस और ये माइनस मिलके प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और -12 लिख देंगे हम। अब ये इक्वल और बिल्कुल इसी जगह पे, इधर 2a है इधर -12 है, और इस मैट्रिक्स में उसी जगह पे 1 है, इधर 1 लिखें। ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये 2a एज इट इज लिखें इधर, इज इक्वल ये 1 भी एज इट इज, माइनस का 12 है इस तरफ आके प्लस 12 हो जाएगा। अब ये 2 ये लिखें एज इट इज, 1 में 12 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। अब ये 2 इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 को जब इक्वल से उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 13 को डिवाइड में चला जाएगा। ए इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, ये ए का आंसर आ गया। इसके बाद बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखें, 3b इस जगह पे लिखा हुआ है और इस मैट्रिक्स में उसी जगह पे 8 है, इसलिए हम पहले ये 8 लिखेंगे, 8, उसके बाद ये प्लस और फिर ये 3b इक्वल, इसी जगह पे इस मैट्रिक्स में 10 लिखा हुआ है, वो 10 इधर लिखेंगे। ये इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये 3b हम एज इट इज लिखते हैं, इक्वल 10b एज इट इज। ये 8 पॉजिटिव है, कोई भी वैल्यू जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है, उधर ये प्लस का 8 जब उस तरफ लेके जाएंगे ये -8 हो जाएगा। ये 3b एज इट इज लिखें, इज इक्वल 10 में से -8 करेंगे 2 आ जाएगा। अब ये 3 इस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को जब उस तरफ लेके जाएंगे ये डिवाइड हो जाएगा। ये b एज इट इज लिखें इधर, ये 2b एज इट इज, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो b का आंसर आ जाएगा 2/2/3। ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 7। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 है। एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, इसमें वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन का ये पार्ट 2 है। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, पहले ए माइनस बी पहले फाइंड करेंगे। ए का मैट्रिक्स लिखें पहले, ए का मैट्रिक्स है 1 1 2 0 1, 1 2 0 1। आगे माइनस और बी वाली जगह पे बी का मैट्रिक्स 1 1 2 और 0, और इस होल का ट्रांसपोज है। इसको माइनस करते हैं अब, 1 माइनस 1 इस तरह लिखेंगे, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इधर आ गया,
उसके बाद 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, फिर 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, उसके बाद 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। ये आ गया इसका भी होल का ट्रांसपोज है। उसके बाद इसके आंसर निकालते हैं, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 0 माइनस 2 -2 आएगा, और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। 01 रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख देंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना हो तो उसको जो रो होती है उसको कॉलम में लिख देते हैं। 01 रो में लिखा हुआ है, इसको इस तरह लिखें, 0 और 1 कॉलम में लिख दिया इसको। अब ये -2 और 1 है, रो में लिखा हुआ है, इसको कॉलम में लिख दें, -2 और 1। ये लेफ्ट साइड पे ये फाइनल आंसर आ गया। अब राइट साइड पे भी सेम आंसर आना चाहिए। राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे ए का ट्रांसपोज पहले लेंगे। ये ए का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। 1 2 रो में लिखा हुआ है, इसको आप कॉलम में लिख दें, 1 2, और 0 1 रो में लिखा हुआ है, 0 1 इसको कॉलम की शक्ल में लिखें, 0 और 1। ये ट्रांसपोज हो गया है ए का। उसके बाद ये माइनस लगाएं। अब बी का ट्रांसपोज लेंगे। इसका भी वही तरीका है, 1 1 रो की शक्ल में है, इसको कॉलम में लिख दें, 1 1, और 2 0 रो की शक्ल में है, इसको कॉलम की शक्ल दे दें, 2 0। तो ये ट्रांसपोज हो गया है बी का। इन दोनों का अब माइनस करना है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 2, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, और 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। इसके आंसर निकालते हैं। 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, और 0 माइनस 2 -2 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा। ये देखें, इसमें लेफ्ट साइड का आंसर इक्वल है राइट साइड के, तो ये कानून वेरीफाई हो गया है। ये था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।